नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी दोनों सीटें हार गई। आजमगढ़ से अखिलेश यादव की सीट और रामपुर से आजम खां की सीट दोनों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत गए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से यूपी के मुसलमानों को अपना संदेश दिया। ओवैसी ने कहा है कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाए और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। वहीं आजम खान ने इन चुनावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसे ना तो चुनाव कह सकते हैं और ना ही चुनावी नतीजे आना कह सकते हैं। 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए और 500 के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 1 वोट डाला गया। जिस तरह से वोट डाले गए, हम अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं। चुनावी नतीजे कहाँ है, चुनाव था ही कहाँ। इसे ना चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जी क्या वजह रही थी इतने? अरे भाई, और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं। अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताना ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको भाई, आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं भाई? लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें? 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया, तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए आप। हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी नेता आजम खान ने आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। यहां से भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है और हाल ही में वे भगवा दल में शामिल हुए थे। वहीं आजमगढ़ सीट पर बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता निरव्वा को, सपा ने धर्मेंद्र यादव को और बासपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उतारा था। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।